तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फेरमैन ऑप्टिक्स के बारे में जिसका नाम है बी ओमनी मैट्रिक्स और बी ओमनी ट्रिक्स। इसके ये दोनों नेम हैं जो कि मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी। और जैसे इसकी इसका नाम बी ओमनी ट्रिक्स है वैसे ही ये बायोमेट्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसके फीचर बायोमेट्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो उनको कॉपी कॉपी मत बोलना कमेंट में जा करके। देन अगर हम बात करें इसके टाइप की तो एक गाउनलेट टाइप का ऑप्टिक्स है, जैसे जो बायोमेट्रिक्स है वो भी गाउनलेट टाइप का ऑप्टिक्स है जिसको दोनों हैंड्स में पहना जाता है, वैसे ही इसको भी दोनों हैंड्स में पहना जाता है बिकॉज ये गाउनलेट टाइप का ऑप्टिक्स है और ऐसा ऑप्टिक्स को गाउनलेट टाइप के ऑप्टिक्स बोलते हैं। और ये एक DNA ऑल्टरनेट डिवाइस है, मतलब ये यूजर को किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और जो एलियंस हैं उनके फ्यूजन भी बना सकता है जो कि बायोमेट्रिक्स भी कर सकता है। देन अगर बात करें इसके टैक लेवल की तो वो 20 है, जिसके हम जानते हैं जो ओमनियस वाली ओमटिक्स थी उसका भी टैक लेवल 20 है और इसका भी 20 है। जिसके हम जानते हैं जो बायोमेट्रिक्स है उसमें 2 ओमटिक्स हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जिसकी वजह से जो बायोमेट्रिक 1000 है वो फ्यूजन बना पाता है, वैसे ही जो इस ओमटिक्स का यूजर है वो ही फ्यूजन बनाता है बिकॉज उसमें भी 2 ओमटिक्स हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है। देन अगर बात करें इसका नेक्स्ट फीचर तो ये है कि अगर यूजर सिर्फ एक ही ओमटिक्स का यूज करे तो नॉर्मल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। देन अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की तो वो है वॉइस कमांड मोड। जी हाँ, आपने सही सुना, जैसे जो अपने बायोमेट्रिक्स है उसमें वॉइस कमांड मोड है जिसकी वजह से जो बायोमेट्रिक 1000 है वो इजीली फ्यूजन एलियन बना सकता है, वैसे जो बी ओमटिक्स है उसका भी यूजर इजीली अपने फ्यूजन एलियन बना सकता है। देन अगर बात करें इसके नेक्स्ट फीचर की तो वो है अल्टीमेट एलियन। जी हाँ, अल्टीमेट एलियन, बिकॉज में अल्टीमेट एलियन का एक फीचर है, मतलब यूजर फ्यूजन के साथ साथ ना अल्टीमेट एलियन में भी ट्रांसफर हो सकता है और अल्टीमेट फॉर्म बहुत ही पावरफुल होती है एक नॉर्मल फॉर्म से, जिसके हम जानते हैं जो अल्टीमेट फॉर्म होती है उसमें काफी ज्यादा पावर आ जाती है एलियन के पास में और कुछ न्यू पावरबिलिटीज भी आ जाती है, वैसे ही जो ये बी ओमनीट्रिक्स है उसके भी अल्टीमेट फॉर्म वाले एलियंस पर बहुत ही पावर आ जाती है और मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम बाद इवॉल्व होने वाले एलियंस की स्पीसीज से बिलोंग रखते हैं, मतलब जो स्पीसीज मिलियंस टाइम बाद अपना इवोल्यूशन करने वाली है उन्हीं अल्टीमेट फॉर्म्स को ये वाला ऑप्टिक्स बैन को देता है। और एक और चीज आपको अल्टीमेट फॉर्म के बारे में पता होनी चाहिए इस ऑप्टिक्स के बारे में कि जो इसका यूजर है वो डायरेक्ट अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, उसे नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो अपना डोमिनेट्स का अल्बिडो है और उसके पास में जो ऑप्टिक्स है उससे वो डायरेक्ट अपने अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है, वैसे ही इस ऑप्टिक्स के साथ में भी जाया जा सकता है अपने अल्टीमेट फॉर्म में। तेरह बात करें नेक्स्ट फीचर तो वो ये है, इसमें दोनों ऑप्टिक्स के फीचर है, मतलब शायद जो इसका क्रिएटर है वो ये कहना चाहता है कि इसमें ऑमनियस वाली ओमटिक्स और साथ में जो अल्टीमेट्रिक्स है उन दोनों की फीचर्स हैं। देन अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की तो वो ये है कि इस ओमटिक्स से जो यूजर है वो अल्टीमेट फॉर्म में चला जाता है, जिसके हम जानते हैं जो अपना अल्टीमेट वैन है उसकी वो अल्टीमेट फॉर्म है, वैसे ही जो इस ओमटिक्स का यूजर है वो भी अपने यूजर को अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। देन अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की तो वो ये है कि इससे थोड़े लंबे टाइम तक यूजर एलियन में ट्रांसफॉर्म रह सकता है। देन अब हम बात करते हैं कुछ डिटेल्स की इस ओमटिक्स के बारे में, वो ये है कि इसके फ्यूजन स्टोर नहीं होते हैं बी ओमनी मैट्रिक्स में, मतलब ये जो बी ओमनीट्रिक्स है वो किसी भी फ्यूजन को स्टोर नहीं करता है, जैसे कि जो इसका यूजर चाहता है कि मैं इन एलियंस के फ्यूजन बनाऊं वैसे ही ये वाला बी ओमनीट्रिक्स अपने यूजर को वही वाले फ्यूजन दे देता है, बस उसके नेम बोलने की जरूरत है यूजर को। जैसे हम बात करें नेक्स्ट डिटेल की तो वो ये है कि सेपियंट और नॉन सेपियंट एलियन को भी स्कैन कर सकती है, मतलब जो अपने सेपियंट एलियन होते हैं उनको तो अपने ओमनियस वाली ओमनीट्रिक्स कर सकती है और नॉन सेपियंट एलियन को भी स्कैन कर सकते हैं, ये बात मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। जैसे अगर बात करें नेक्स्ट डिटेल की तो है बेबी से बिकॉज जैसे हम जानते हैं जो बेबिक के फ्यूजन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, वैसे इस वाले ओमटिक्स में बेबिक के फ्यूजन छोटे हो जाते हैं। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया है पूरा तो इस वीडियो को लाइक करते आना, साथ में अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर देना, साथ में इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते आना।